सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में जो है 5 से ज़्यादा 20 से अधिक त्यौहार लोगों की भीड़ लगाने की परमिशन नहीं है प्रशासन के द्वारा। उन सबको ध्यान में रखते हुए मोहल्ला निवासियों ने और शिवसेना शिरोमणि के अध्यक्ष वहाँ पे पवन को बुलाया है। मोहल्ला निवासियों ने सम्मान के तौर पर हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जन्माष्टमी। दोस्तों, मैं विशाल मदान, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना शिरोमणि प्रधान श्री माँ काली सेवा संघ। दोस्तों, आज हिंदू समाज के लिए बड़े ही गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है। आज हमारे भगवान कृष्ण जी का जन्म दिवस है, जन्म अष्टमी है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज सारा देश, पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कारण बहुत ही दुख झेल रही है। इसके चलते हुए लुधियाना प्रशासन के द्वारा सभी मंदिरों में आज सभी हिंदू समाज के कहने पर रात्रि को कर्फ्यू नहीं लगाया जा रहा है, और इसी के दौरान शिवसेना शिरोमणि के द्वारा आज हरि सिंह नगर में राजस्थान बरादरी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसके चलते हुए हमारे राजस्थान बरादरी के पंजाब के प्रधान सरवन सिंह, हमारे राष्ट्रीय के यूथ के प्रधान हमारे विपुल कुमार शर्मा जी, हमारे युवा के पंजाब के राजस्थान बरादरी के प्रधान प्रताप सिंह जी और सभी हिंदुओं के द्वारा ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और हम अपने पुलिस कमिश्नर साहब के और डीसी साहब के जो गाइडलाइन दी गई हैं कि 5 से 20 बंदे हमारे मंदिरों में जा सकते हैं, हम वहां पर ना जाकर अपने मोहल्ले में ही उनके नियमों द्वारा जो 5-10 अपने संस्था के बंदे और मोहल्ले के बंदे इकट्ठे होकर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मना रहे हैं और भगवान का श्री कृष्ण जी का गुणगान करेंगे, केक काटा गया है। और हम सभी देशवासियों को इस चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं और आज के दिन अपने घरों में ही बैठकर दीपमाला कीजिए और भगवान श्री कृष्ण का झूला झुलाइए। आज हम लुधियाना के गोविंद गोधाम में पहुंच चुके हैं, जहां पे जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और लुधियाना में माना जाता है गोविंद गोधाम, होली हो या जन्माष्टमी हो, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पे देखे जा सकते हैं आप कि पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल के द्वारा जो है पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम है यहाँ पे सुरक्षा के, उन सभी को ध्यान में रखते हुए। आइए हम अंदर चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है लोगों के द्वारा। जो प्रसाद की जो व्यवस्था है वो भी बड़े ही सावधानी तरीके से यहाँ पे रहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकानों में जिनके पास सैनिटाइज़र वगैरह ना हो तो वो सैनिटाइज़र वगैरह भी खरीद सकते हैं। यहाँ का जो माहौल है आप देख सकते हैं किस तरह का, जो मन मावना और महामारी के दौरान जो कोरोना महामारी जो है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इतनी उत्साह नहीं है, पर फिर भी लोगों में आस्था का जो प्रतीक है गोविंद गोधाम, यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। बच्चे की जो झांकी है श्री कृष्ण के रूप में, उनकी शायद माता है, या उनको देखे किस तरीके से ये गोविंद गोधाम के नटखट गोपाल जो है यहाँ पे हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये रूप जो इन्होंने कृष्ण भगवान का बनाया, उनको इसमें कितनी खुशी मिल रही है इनको, हम जानते हैं। जयवीक जी, आप जयवीक, आप कृष्ण भगवान बने हो, पहले तो हमें आशीर्वाद दे दो। थैंक यू। आप कैसा लग रहा है आपको बताइए? बहुत अच्छा। आपने डांस किया? नहीं। मेरा नाम हितिन खुराना,
अभी इस वक्त हम गोविंद गोदाम में खड़े, और हर साल की तरह यहाँ इतने हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का फंक्शन किया जाता है, तो आज भी बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से सिर्फ सबको ये रिक्वेस्ट है कि COVID-19 के आप मास्क अपने साथ पहन के रखें, बैठ के हम लोग इस जल्दी से जल्दी इस COVID-19 से रिकवर करके वापस अपना गोविंद गोदाम जो है हरा भरा वापस देखना चाहता हूँ मैं। इस साल की तरह बहुत फिर भी क्राउड आ रहा है, बट उतना क्राउड नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, बट यस आई वॉन्ट के वो खुशहाली वो सबके जीवन में वापस आए। थैंक यू। पहले की तरह तो नहीं मनाया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, पहले की तरह तो बहुत, देखो जी सारा ये कवर अप होता है, जाम खड़े हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इस एरिया पूरा डांसिंग एरिया बनता है, बट इस बार यहाँ कुछ भी नहीं है सच, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ COVID-19। कह सकते हैं कि हम लुधियाना के कमिश्नर अग्रवाल जी के जो निर्देश हैं और आदेश हैं जो उनका हम पालन कर रहे हैं? बिल्कुल 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 पालन होगा, तभी आगे चीज़ें रिकवर होंगी, और बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। यहाँ ऑडियंस, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजेशन हो रही है, इनफैक्ट सेंसर सैनिटाइजेशन मशीन है यहाँ पे, सो एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। व्हाट आई से, यहाँ का जो है गोविंद गोधाम की हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पंजाब पुलिस की जवान भी यहाँ पे तैनात हैं, वह पूरा सभी को सोशल डिस्टेंस के बारे में अवेयर करवा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से गाइडलाइन जो जारी की गई है यहाँ पे प्रशासन की तरफ से, हमें और कुछ लोगों से भी जानेंगे कि किस तरीके से अंदर क्ले करा दोगे ना। गोविंद गोधाम में जो है लोग अपने बच्चों को कृष्ण भगवान का रूप बना के लेके आते हैं, हम उनके माता पिता से भी जानते हैं। ਅਸੀਂ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਗਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜੋ ਤੈਨਾਤ ਹੈ सुरक्षा के लिए। तो कैसे अंदर जाते हैं? सर बिना मास्क के हम जाने नहीं देते, जिन्होंने मास्क नहीं लगाए होते हमें साफ मना करा हुआ है कि बिना मास्क के किसी को अंदर नहीं जाने देना। ठीक है, जो है कोविड को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, का दृश्य है, सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर। जो है मनभावना और सुहाना गोविंद गोधाम का जो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो जगह है, ये आप देख सकते हैं गैलरी बनाई गई है, सोशल डिस्टेंस का जो प्रॉपरली पालन किया गया है यहाँ पर। हरे कृष्णा, मैं सुंदरदास दमिजा, चेयरमैन श्री गोविंद गोधाम। आज यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। लुधियाना से नहीं, पूरे पंजाब से लोग आते हैं। दो महीने पहले तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार हमने कोई तैयारी नहीं की और बड़े ज़ोर शोर से हम जन्माष्टमी नहीं मना रहे, क्योंकि जहाँ पर प्रशासन की तरफ से देश था, दूसरा हमें भी इस बात का ध्यान था कि कोरोना महामारी फैली हुई है, लोगों को किसी किस्म की मुश्किल ना हो, लोग किसी तरह बीमारी की लपेट में ना आए, इसका ध्यान रखते हुए बड़े सादे ढंग से इस बार गोविंद गोधाम में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। बकायदा सैनिटाइजर गेट लगाया गया है, लोग उसमें से आ रहे हैं, सब ने मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंस का हमने विशेष तौर पर ध्यान रखा हुआ है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ पूरा सहयोग कर रही है, सुबह से लेकर अब तक वो हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे गोविंद गोधाम के सेवक भी लगे हुए हैं। गोविंद गोधाम के बारे में लोग चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ मिले, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सेवा भी मिलती है, भक्त भी मिलती है, क्योंकि गौशाला है, गौशाला में केवल बीमार एक्सीडेंटल और लाचार गायें हैं, उनकी सेवा होती है और ठाकुर जी की भक्ति होती है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि गोविंद गोधाम हम आएँ, हमें सेवा भी मिले और भक्ति भी मिले। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आज सुबह से ही लोग आ रहे हैं, और हमारा ये कोशिश रहेगी कि जब तक लोग आते रहे हैं तब तक हम थोड़ा मंदिर खुला रखेंगे, और रात को 12 बजे अभिषेक होगा, वो सिर्फ हमारे ब्राह्मण करेंगे, लोगों का उनमें कोई हिस्सा हम नहीं रखेंगे। इसी तरह सारी बातों का ध्यान रखते हुए आज जन्माष्टमी मनाई गई। हमें इस बात की बड़ी खुशी है
कि लोग अपने घरों में रहे, अपनी भक्ति की। थोड़ा सा दुख भी है कि लोग गोविंद गोधाम में या उस मंदिरों में नहीं जा सके, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से गोविंद गोधाम के सभी ट्रस्टियों की ओर से, सभी सेवकों की ओर से, ए टू जेड चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। और अपने ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे ठाकुर, इस कोरोना महामारी से जल्दी हमें छुटकारा दे। हरे कृष्णा। मेरा नाम पूजा खन्ना है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हम यहाँ गोविंद को धाम में भगवान जी के दर्शन करने आए हैं। हर साल यहाँ पे बड़े उल्लास और बहुत ही ज़्यादा मनाई जाती है जन्माष्टमी, पर इस बार भक्त बहुत कम हैं क्योंकि कोरोना महामारी फैली हुई है। पर यहाँ पे गोविंद को धाम वालों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। सैनिटाइजर गेट लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा हुआ है और भक्त दर्शन कर रहे हैं। जन्माष्टमी की खुशी भी है, पर दुख इस बात का है कि इस बार हम गोविंद को धाम में रात को 12 बजे यहाँ पे नहीं होंगे और घर पे ही भगवान जी की जन्माष्टमी जन्म उत्सव मनाएंगे। हमने यहाँ के चेयरमैन धमजा जी से भी जाना कि यहाँ पे किस तरह का इंतजाम है, तो यहाँ पे सैनिटाइजर गेट और सोशल डिस्टेंस बिना मास्क के, तो सबसे पहली बात यहाँ मंदिर के अंदर किसी को प्रवेश नहीं किया दिया जाता है और पुलिस की तरफ से भी पूरा पुख्ता इंतजाम है। तो कैमरामैन नाजिम के साथ रुपेश कुमार।